बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास स्टूडेंट्स, अनिमी से है फॉर योर मैथ्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आवर 15th लेक्चर इज़ अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3D, पेज नंबर 79। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा, सबसे पहले ब्लैंक्स को फिल करने और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो हमेशा टू वैल्यूज़ के बीच में होता है या टू क्वान्टिटीज़ के बीच में होता है। तो अगर आप लोग इसे मल्टीप्लीकेशन में करते हैं या उसे एडिशन में करते हैं तो आप लोगों के पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होता है वो इक्वल आता है राइट हैंड साइड के। यहाँ देखें, मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से है कि ए क्रॉस बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अगर आप लोग इसे रिप्लेस भी कर देते हैं तो रिप्लेस करने से भी आपके पास आंसर सेम ही आता है। फॉर एग्जांपल, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 2। 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 2 इज 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स अ कम्यूटेटिव लॉ। एंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो 3 वैल्यूज़ और 3 क्वान्टिटीज़ के बीच में होता है और इसमें जो होता है हमारे पास जो ब्रैकेट होती है उसे रिप्लेस कर देते हैं, हम लोग उसकी जगह चेंज कर देते हैं। पहले ब्रैकेट हमारे पास होती है वो लास्ट 2 वैल्यूज़ पे होती है, बाद में हम लोग जो है फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ को उस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और थर्ड वैल्यू को उसमें से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा करने से भी हमारे पास जो होता है उसका आंसर जो होता है वो सेम आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। तो जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें भी ऐसा है और कम्यूटेटिव लॉ के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट पार्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस सेटिस्फाई द डैश लॉ ऑफ नंबर्स, सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 फ्रैक्शंस की बात हो रही है, इट मींस डैट वो कम्यूटेटिव की बात कर रहा है। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 फ्रैक्शंस कहता है तब हम लोग कह देते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 की बात हो रही है, इट मींस डैट कम्यूटेटिव। बी पार्ट, 1/4 / 9/10 इक्वल टू 5/18, ठीक है। 5/18 अब वो भी इस तरह से कि जब आप लोग डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो जो सेकंड वैल्यू है उसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, 10/9 आ जाएगा। जब वो आपस में कैंसिल होंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/18। सी पार्ट भी इसी तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इन्हें मतलब चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। द एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन 3/5 × 4/7 × 7/8। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये फर्स्ट 2 लॉज के फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस पे आ जाएगी और थर्ड जो 7/8 है उसे सेपरेट कर देंगे। सेकंड में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट सही कौन सी गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, ट्रू। रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 5/3, नो। 1/3 इसका आंसर आना था इसलिए ये फॉल्स है। 1/12 × 36 × 12/16 = 3/1/3, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप लोगों का ये आंसर नहीं होगा इसलिए फॉल्स है। 1/75 × 14 / 25 = 1/2, इट्स ट्रू। 81 × 2 = 9, 9 2s are 18 आना था, यहाँ पर सिर्फ 9 लिखा हुआ, इट मीन्स दैट इट्स फॉल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, 42 / 1/7 = 249, 4/5 × 7/5 = 7/5 × 4/5, and 95 × 5/19 = 25. Now come on the next page. Here is the second option is right answer and the first option is right answer of E part. Now come on question number 4, solve the following sums. Sums को जब आप लोग solve करेंगे तो ऐसा होगा कि हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इसे कैंसिल कर देंगे, 7 1s are 7 and 7 5s are 15, now 5 × 5 = 25 is answer. तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैंसिलेशन के बाद हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर आएगा वही उस चीज़ का आंसर होगा, कंसीडर किया जाएगा। सो बेटा, डू प्रैक्टिस एट होम, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी आप लोगों के पास MCQs हैं उन्हें सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे तब आप लोगों ने यहाँ पर उनके आंसर्स को राइट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से सॉल्यूशन में है, आप लोग इसे सॉल्व करें और उसका आंसर लिखें। सो बेटा, डू प्रैक्टिस एट होम, गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।